मैंने उसे मैसेज किया, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। रिप्लाई आया, मसरूफ हूँ, नहीं कर सकती। एक वक्त था कि यही लड़की मेरी आवाज़ सुनने के लिए मेरी तरह मुझसे इल्तजा किया करती थी। मैंने सोचा और तलखी से मुस्कराया, वो हमारी आखिरी कॉल। मैंने इल्तजा की, उसने कॉल उठाई और खामोश रही। मैंने पूछा, कैसी हो? उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, कहा, क्या कहना है? मैं बोला, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही, और दिल में एक महूम सी उम्मीद लिए समात को मुंतजर पाया। जवाब आया, नहीं। उसके इस नहीं ने मेरे अंदर आग लगा दी। एक वक्त था मुझे ये कहती थी कि कहो ना मुझसे मोहब्बत है, असरार करती थी, मेरे लिए नज़म लिखो फरमाइश करती थी। मैं उसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ ज़रूरी सजदा समझ कर फ़र्ज कर लेता। हमारी मोहब्बत के नक्श मेरे अंदर गहरे हो रहे हैं। मैंने उसके अंदर मेरे लिए मरी हुई मोहब्बत को झंझोरना चाहा, तो उसने मेरी ही मोहब्बत के परखच्चे उड़ा दिए। तुम्हारा मसला है, मोहब्बत शुरुआत से एक तरफा हो तो इंसान को अपनी औकात का अंदाज़ा रहता है, बाहमी मोहब्बत में औकात का नापतोल नहीं रहता, दोनों एक दूसरे को बराबरी से गिरने नहीं देते। मोहब्बत को एक तरफा का एजाज हासिल हो जाते ही एक फरीक दूसरे को धक्का देते हैं तो पता चलता है कि मोहब्बत से वापसी के सफर में औकात का धब्बा किसको कितना पड़ता है।